तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन नमस्कार दोस्तों, आपका जिला न्यूज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, हमारा हमने इससे पहले क्वेश्चन करा चुके, 200 क्वेश्चन हमने करा चुके हैं जो हमारी कंप्यूटर प्लेलिस्ट में है। उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो 201 क्वेश्चन है आज, तो हम पढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि मॉडम का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है मॉड्यूलेटर डिमुलेशन, बी है मॉड्यूलेटर डिमुलेटर, और सी है मॉड्यूलेटर डिस्कनेक्शन। और सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा मॉड्यूलेटर होगा और डिमुलेटर होगा, लेशन नहीं होगा, लेटर होगा। बस इसमें यही एक है, कई लोग ए मार देंगे मगर ये गलत हो जाएगा। मॉड्यूलेटर डिमुलेटर है, डिमुलेशन नहीं है। तो पहला ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है ईमेल का पूरा नाम क्या है। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है, इंग्लिश मेल है कि इंसेंशियल मेल है। सही उत्तर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है, इलेक्ट्रिकल्स मेल नहीं है, यह है इलेक्ट्रॉनिक्स मेल है। अगला क्वेश्चन इंटरनेट का पूरा नाम क्या है। कई लोग इंटरनेट का पूरा नाम नहीं जानते होंगे, बस जानते होंगे इंटरनेट ही है। तो इंटरनेशनल नेटवर्क की, इंटरकॉम नेटवर्क की, इंटरकॉन्टिनेशनल नेटवर्क या इंटरनल नेटवर्क। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इंटरनेशनल नेटवर्क होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं, इंटरनेट को, ईमेल को, फ़ोन को कि पेजर को। सही उत्तर क्या होगा कि सूचना राजपथ किसे कहते हैं। सही उत्तर है जिसे सूचना भेजा जाता है, तो सही उत्तर है इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो पहला ईमेल के जन्मदाता जिसे आप मेल करते हैं, जीमेल होता है उसी को ईमेल कहते हैं, तो रे टॉमलिसन। दूसरा है बिल गेट्स। तीसरा है लिंकन गोटियस बर्ग या चार्ल्स बेबर्स। चार्ल्स बेबर्स तो कंप्यूटर के पिता है। सही उत्तर है रे टॉमलिंस को ही ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, WWW के आविष्कारक कौन है। वर्ल्ड जो इसका WWW करते हैं, HTTP करते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, वॉन न्यूमेंस, जे एस किल्वी या टिम्बर्स ली या चार्ल्स बेबर। सही उत्तर क्या होगा कि टिम्बर्स ली है, वही है WWW के आविष्कारक है। अगला क्वेश्चन इंटरनेट का स्टार्टअप प्रोटोकॉल क्या है, HTML, जावा, TCP/IP, ये सभी। तो सही उत्तर होगा TCP और IP एड्रेस, आप जानते हैं इंटरनेट का स्टार्टअप प्रोटोकॉल TCP होता है। अगला क्वेश्चन सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि क्या है, संप्रेरक है, शॉपिंग है, मनोरंजन है या सर्चिंग है। सही उत्तर है संप्रेरण होता है सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि। अगला क्वेश्चन है कि वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है। जो वेब पेज है उसको रिलोड होता है तो उसको कौन सा बटन दबाया जाता है। तो पहला F5 होता है कि रिफ्रेश हो जाए, रिलोड भी होता है तो इसमें रिलोड, रिस्टोर, रिफ्रेश या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रिफ्रेश, तो सही उत्तर है रिफ्रेश किया जाता है। अगला है कि ईमेल लिखना किसके समान है, फ़ोन पर बात करना, पत्र लिखना, पैकेज भेजना, तस्वीर बनाना। तस्वीर बनाना होगा नहीं, पैकेज भेजना नहीं होगा। सही उत्तर इसमें होगा पत्र लिखना। ईमेल माने आप कुछ चीज़ लिख कर किसी को भेजते हैं, सूचना या कुछ चीज़, उसके साथ आप फ़ोटो भी भेज सकते हैं, मगर यह है एक पत्र लिखने के बराबर होता है। 11वां क्वेश्चन है कि मोशन पिक्चर्स क्लिपों को बटन बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। जो मोशन पिक्चर्स क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है, तो सही उत्तर है वीडियो एडिटिंग किया जाता है, उसी से हम लोग इसको बदलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है। तो इसमें दिया है डॉट, ब्रैकेट, कॉलम, एट द रेट। सही उत्तर क्या होगा, तो ईमेल का भाग नहीं है, ब्रैकेट है, वो ईमेल का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है। तो निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है रेडिफ मेल, याहू, हॉटमेल या ये सभी। सही उत्तर ये सभी ईमेल फ्री होते हैं, अपना बनाइए भेजिए। उसके बाद है सॉफ्टवेयर में कमांडों और ऑप्शनों की सूचना होती है। जो सॉफ्टवेयर में जो कमांड होते हैं उसमें ऑप्शनों की सूचना कहाँ होती है, मेनू बार में, मेन पेज में, टूल बार में या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है टूल्स बार में, कमांडो की ऑप्शन होते हैं, टूल्स बार में सारे ऑप्शन होते हैं। एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था, कोरल, लोटस, माइक्रोसॉफ्ट या नॉवेल। तो एमएस ऑफिस सबको मालूम है माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है और वही बनाती है एक्सेल, XP,
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ही सब हैं, विंडोज 7। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? पाल एलन, बिल गेट्स, ए और बी, दोनों ही मिस्को नहीं। सही उत्तर है पाल एलन और बिल गेट्स, दोनों ही इस कंपनी के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है कि विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है विप्रो द्वारा, एप्पल कंपनीशन द्वारा या आईबीएम द्वारा या सभी? तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है आईबीएम द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि एसएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जीयूआई है, सीयूआई है, एमयूआई है कि एलयूआई है? सही उत्तर है जीयूआई है, एसएस विंडोज सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, विंडोज 98 का विकास कब हुआ था? बहुत ज़्यादा चला था 2000, 2003, 1998, 1999। सही उत्तर है 1998 में विंडोज 98 का विकास हुआ था। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? थियोफेटस, हेपोक्रेटस, डार्विन या गैलेन? सही उत्तर है हेपोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु? सही उत्तर है महाराष्ट्र में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यूजीलैंड? सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका ही सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, वहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर आ गया, एकदम छा गया। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? भारत, रूस, चीन, अमेरिका? चीन में शायद बंद है और रूस की जनसंख्या है नहीं, सही उत्तर होगा अमेरिका। तो फेसबुक वहीं का आया था, सबसे अधिक यूजर फेसबुक के वहीं पे हैं। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? सूचना देने वाला, कुंजी पटल, कीबोर्ड या ये सभी? तो कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? सही उत्तर है कुंजी पटल कहा जाता है। ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है? सही उत्तर टर्की में ट्विटर के सबसे अधिक यूजर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? सही उत्तर है एंड्रॉइड। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट या स्क्रीन या रेसोल्यूशन या व्यूइंग साइज? सही उत्तर है स्क्रीन रेसोल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है कहाँ? अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या एशिया? सही उत्तर है अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है, टेक्स में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? ब्लिंकर, पॉइंटर, कर्सर या काजर? सही उत्तर है कर्सर ही आपको अपनी पोजीशन दिखाता है। अगला है कि वर्कशीट के सेलों का आयात समूह रूप में से कौन सा है? सेल रेफरेंस, सेल वैल्यू, सेल फार्मूला या सेल रेंज? सही उत्तर है सेल रेंज। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज डिवाइस को मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? जो स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट, डायरेक्टरी, प्लेटफॉर्म, डिवाइस ड्राइवर या मेन डायरेक्टरी? सही उत्तर है रूट डायरेक्टरी कहते हैं। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? स्पेशल, टूल्स, फाइल, एडिट? सही उत्तर है फाइल्स को सेलेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट करते हैं? स्पेशल, टूल्स, फाइल या एडिटिंग? सही उत्तर है एडिट को हम लोग क्लिक करते हैं कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस में एक्टिव सेल के कॉन्टैक्ट को कौन डिस्प्ले करता है? सही उत्तर है नेम बॉक्स, रो हैंडिंग, फार्मूला बार या टॉक्स पेन? एक्सेल के एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? फार्मूला बार। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डिक्शनरी, इंडेक्स, सूची या डायरेक्टरी? कंप्यूटर के संचित फाइलों को कहा जाता है डायरेक्टरी कहा जाता है। किसी डेटाबेस के डाटा फाइल की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डायरी, डाटा डिस्क, डाटा डिक्शनरी या डाटा कोश? किसी डाटाबेस के डाटा फाइल को कहा जाता है डाटा डिक्शनरी। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को कहा जाता है स्पेशल चेक एक्सप्रेस या आउटलुक या स्पे प्रो? सही उत्तर है स्पेल चेक। सारे वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल डेक्शन कहाँ होता है? टेक्स्ट डॉक फाइल और वर्ल्ड डॉक्यूमेंट टू डॉक में होता है। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं लेफ्ट, जस्टिफाई, सेंटर या राउट में? तो सही उत्तर है लेफ्ट में होते हैं। एक्सेल में किस विकल्प का प्रयोग चार्ट बनाए जा सकते हैं? बार चार्ट, पाई चार्ट, चार्ट वर्जन या पीटल टेबल? सही उत्तर है चार्ट विजर्ड से।
विकल्प होता है उससे हम चार्ट बना सकते हैं, जैसे गोल गोल चार्ट होता है और ऊपर नीचे जो चार्ट होते हैं ऐसे आपने देखा होगा, उससे हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाई डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो कोई डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करते हैं कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं, तो किस मोड में प्रिंट होता है? पोर्ट्रेट, पेज सेटअप, लैंडस्केप या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर प्रोटेक्ट में होता है। अगला क्वेश्चन, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? मिनी डायरेक्टरी, जूनियर डायरेक्टरी, पार्ट डायरेक्टरी या सब डायरेक्टरी? सही उत्तर है सब डायरेक्टरी कहा जाता है। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटा शीट, स्प्रेड शीट, डाटा बेस या यूटिलिटी फाइल? सही उत्तर है डाटा बेस कहते हैं। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एम या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन? नई स्लाइड के लिए कंट्रोल प्लस एन दबा जाता है। एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट्री में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? जैसे कोई आप लिखते हैं नेम, फादर नेम या कुछ भी लिखते हैं तो वो स्पेलिंग की त्रुटि को दर्शाता है कि स्पेलिंग गलत है। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? नाम, फार्मूला, एड्रेस या लेवल? सेल की पहचान एड्रेस करता है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया गया था? पूरे, हैदराबाद, दिल्ली, बैंगलोर? सही उत्तर है हमारा पुणे में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया था। डिजिटल कंप्यूटर का कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होता है? डिजिटल कंप्यूटर का कार्य प्रति मापन केवल तर्क, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ या गणना के तर्क? सही उत्तर है गणना और तर्क। निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर प्रथम पीढ़ी में निर्वात ट्यूब था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते हैं सबको पता है वैक्यूम ट्यूब। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।